हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल इजी वेज। बच्चों आज हम आपके लिए लेके आए कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 25। बच्चों जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और अगले फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उन्हें लाइक करना और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारा वर्कशीट टाइटल है बच्चों प्रकाश। इसमें हम प्रकाश से जुड़ी कुछ बातें सुनेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो लोग देख नहीं सकते वह कैसे पढ़ते हैं, वह कौन सी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। इस लिपि को किसने बनाया, वह बनाया था लुई ब्रेल ने। इसके बाद हमें बताया गया कि नेत्रदान कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है। इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की थी। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, ब्रेल प्रणाली एक ऐसी विधि है जिसमें नेत्रहीन व्यक्ति स्पर्श करके अक्षर वर्णों को पहचानने की कोशिश कर सकता है। और बच्चों इसके दूसरे भाग, यह प्रणाली किसने विकसित की थी, उसमें आप लिखते हैं लुईस ब्रेल, जिन्होंने यह प्रणाली बनाई थी। अगला प्रश्न है, सही और गलत का चिन्हित करें। बच्चों यहाँ पे पहला प्रश्न है, महिला या बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते, तो यह बच्चों गलत है क्योंकि कोई भी आंखें दान कर सकता है। अगला, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, तो बच्चों यह सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो चश्मा पहनते हैं, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने के 4 से 6 घंटे के अंदर उसकी आंखें दान कर जा सकती है, इसलिए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे सही का। अगला है, नेत्रदाता किसी भी समाज स्तर का हो सकता है, तो इसमें आप उत्तर लगाएंगे सही। अगला है, हाइड्रोलिसिस लुकीमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, इसका उत्तर आप लगाएंगे बच्चों गलत, क्योंकि ऐसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति आँखें दान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है बच्चों, हमें अपनी आँखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, हमें अपनी आंखों को नेत्र बैंक को दान इसलिए करना चाहिए ताकि वह किसी नेत्रहीन व्यक्ति को उसकी दृष्टि वापस दिलवाने और दुनिया को देखने में मदद कर सकें। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।